नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स सो तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही बढ़िया कॉज और इफ़ेक्ट डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे आर्टिकल्स में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ एंड ये होंगे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से रिलेटेड शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से इंडिया एक्सटेंस 50 मिलियन डॉलर्स सपोर्ट्स टू मालदीव्स काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ होगा ये कई लोगों के लिए बट इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये बजटरी सपोर्ट देगा मालदीव्स को जहाँ पे फिफ्टी मिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी बिल रोल ओवर दिया जाएगा फॉर अनदर ईयर एट मालदीवियन गवर्नमेंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट आई है उनकी एंड ये अनाउंस किया गया था मंडे को तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सब्सक्राइब किया है एक साल और उससे ज़्यादा के फिफ्टी मिलियन डॉलर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को यहाँ पर अपॉन मेचोरिटी ऑफ प्रीवियस सब्सक्रिप्शन ये कहना है इंडियन हाई कमीशन का सो so, मालदीव्स के साथ रिलेशन अगर आप देखेंगे पीपल टू पीपल रिलेशन थोड़े से ख़राब होते हुए नजर आए थे हमें एक्चुअली राइट right? क्योंकि वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा आप देखेंगे उनके स्लोगन्स रहते हैं काफ़ी प्रो चाइना माना जाता है उसे सो so, यहाँ पे बॉयकॉट करने वाले ट्रेंड्स भी काफी चले थे स्पेशली अगर आप ट्विटर वगैरह पे देखें तो काफी लोगों ने आ, ये हैशटैग्स को वायरल भी किया कि बॉयकॉट मालदीव्स बट यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस देखें सो वी आर नॉट सीइंग एनी बिग चेंज दूसरा आर्टिकल है कि चाइना टू स्टार्ट 130 बिलियन डॉलर बॉन्ड सेल ऑन फ्राइडे तो ये एक बड़ी न्यूज़ है बॉन्ड सेल होता क्या है देखिए सरकार को क्या चाहिए पैसा चाहिए ना खर्च करने के लिए रोड्स आ रही हैं हर चीज आ रही है तो सरकार क्या करती है बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करती है जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को कैसे सपोर्ट किया मालदीव्स के बॉन्ड्स उन्होंने बाय कर लिए फिफ़्टीन मिलियन डॉलर को एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं जिसे हम ट्रेजरी बिल भी कहते हैं ठीक है उस पर इंडियन गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट मिलता है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता आप मान के चलिए तो गवर्नमेंट ये चाइना की गवर्नमेंट क्या करने वाली है यहाँ पे ये सेल करेगी अपना फर्स्ट बैच ऑफ वन ट्रिलियन यून मतलब वन बिलियन डॉलर का अल्ट्रा लॉन्ग स्पेशल सॉवरिन बॉन्ड्स कंट्री इज़ इशू करती है सॉवरन बॉन्ड्स ठीक है बॉन्ड का मतलब क्या है मान लीजिए आपने स्टॉक बॉक्स के बॉन्ड को परचेज किया मतलब स्टॉक बॉक्स ने बॉन्ड्स बेचे आपको तो अब स्टॉक बॉक्स को आपने लोन दिया है और स्टॉक बॉक्स आपको उसके बदले इंटरेस्ट देगी और ये अल्ट्रा लॉन्ग स्पेशल सॉफर बॉन्ड है मतलब ये हो सकता है कि शायद ये पचास साल बाद मिच्योर हो वो बॉन्ड या सौ साल बाद मिच्योर हो तो तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं और आपको उस पर ईल्ड मिलता रहेगा इंटरेस्ट को हम लोग ईल्ड बोलते हैं यहाँ पे ठीक है बॉन्ड्स के केस में सो so, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो फंड रेज करेगी और मार्केट में पैसे को आप कह सकते हैं फ्लोट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट आए क्रेडिट आए ढेर सारा वर्क विथ ट्रम्प टू सप्रेस नेगेटिव स्टोरीज डोनाल्ड ट्रंप के एक्सचेंज फॉर्मल फॉर्मर फिक्सर माइकल कोहेन ने जूनियर्स को कहा कि वो सीक्रेटली उन्होंने अरेंज किया था रिपब्लिक रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और टैबलेट पब्लिशर के बीच में कि वो सप्रेस कर पाए नेगेटिव स्टोरीज जो उनके 2016 कैंपेन को डैमेज करें एंड देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है यूएस से रिलेटेड एंड ट्रम्प के अभी अगर आप देखेंगे ऐसे न्यूज़ पॉलिटिकल स्टोरीज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बट स्टिल कौन जीतने वाला है रिपब्लिकन या डेमोक्रैट ये हमारे लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा सो वी हैव टू स्टिल सी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या रहते हैं यूएस में बट इस तरीके की स्टोरीज इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन सो विल जंप टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज़ यूएस एजेंसी इन्वेस्टिगेट्स एमेजन्स रोबोट एक्सेस यूएस के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा मंडे को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अमेजन डॉट कॉम के सेल्फ ड्राइडिंग जूक्स व्हीकल्स पे एंड इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ब्रेकिंग हुई जहां पे दो रियर एंड कॉलिजन हुए हैं सो अनएक्सपेक्टेड ब्रेकिंग की गई वहां पे, राइट right? एंड यहाँ पे इंजर हुए हैं दो मोटरसाइकिलिस्ट सो यूएस में अगर आप देखेंगे ना इस तरीके की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं बता दूँ यूएस में ऐसे कई सारे टाउन्स हैं स्पेशली अगर आप कैलिफोर्निया में देखें यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो रही है चाहे आप गूगल की बात करें तो आई थिंक वेमो नाम है उनके टैक्सी सर्विस का जहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं होता राइट right? इसके अलावा और भी ऐसे अमेजोन डॉट कॉम के हैं तो अमेजोन डॉट डॉट कॉम एक्चुअली टा कार्स के लिए नहीं बल्कि डिलीवरी ड्रोन्स और ऑटोनमस डिलीवरी व्हीकल्स बनानी चाहती हैं कि जहाँ पर ड्रोन्स के थ्रू सामान को डिलीवर किया जाए तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है पाक पाकिस्तान पीएम शरीफ अप्रूव्स 86 मिलियन डॉलर ग्रांट फॉर पीओके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अप्रूव किया है 86 मिलियन का ग्रांट मंडे को पीओके के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जहां पे कई सारे वॉलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं महंगाई को लेकर अब मैं बता दूँ पाकिस्तान में महंगाई को आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से किसी और कंट्री से इतनी ज़्यादा हो गई थी बीच में राइट right? एंड लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी थे सो so वहाँ की करेंसी की वैल्यू भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये डेप्रिशिएट कर गई थी कर गई थी अगेंस्ट डॉलर्स जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा वहाँ पे इलीगली डॉलर को बाय कर रहे थे और पाकिस्तान की करेंसी को सेल कर रहे थे जिसपे गवर्नमेंट को शिकंजा भी कसना पड़ा एंग्लो अमेरिकन रिजेक्टेड फोर्टी थ्री बिलियन रिवाइज ऑफर बी एच पी एंग्लो अमेरिकन ने रिजेक्ट किया है रेज टेक ओवर ऑफर ऑफ़ थर्टी फोर बिलियन पाउंडस मतलब फोर्टी टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर्स बी एच पी ग्रुप से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लिस्टेड माइनर कंटिन्यूज टू सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यू का द कंपनी सो फोर्टी थ्री ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री बिलियन डॉलर्स में भी अपनी कंपनी को बेचने को तैयार नहीं है एंग्लो अमेरिकन आते हैं दूसरी खबर पर शाह जयशंकर सीक टू काम मार्केट नर्व सेंसे इंडिया विक्स एंड पॉइंट परसेंट अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं आप देखेंगे कल और आज निफ्टी सेंसेक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया रिकवरी दी है स्टॉक मार्केट ने और क्यों यहाँ पे कई लोग रीजन इस चीज को बता रहे हैं कि अमित शाह जी और जयशंकर जी ने दोनों ने अलग अलग जगह पर मार्केट के ऊपर कॉमेंट किया अमित शाह जी ने कहा कि इस वक्त मार्केट में थोड़ी जिटर्स चल रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल टेम्प्ररी हैं आप बाय कीजिए अभी क्योंकि मार्केट चार जून के बाद ऊपर जाने वाला है तो उनका ये कहना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी एंड इससे मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आप कह सकते हैं रिएक्ट करेगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगा ये मार्केट के लिए एंड ये ऊपर जाएगा ये उनका कहना है वैसे ही अगर आप देखें तो जयशंकर जी ने भी इस पर कॉमेंट किया एंड इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वॉलीडिलिटी है मार्केट में उतार चढ़ाव ये बहुत ही नॉर्मल है ये ट्रांजिटरी है ठीक है इलेक्शन के जिटर्स की वजह से हो रहा है जैसे ही रिजल्ट आते हैं हम देखेंगे कि मार्केट में क्लैरिटी आ जाएगी एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है सो so अगर आप देखेंगे निफ्टी अभी ऑलमोस्ट वन थाउजेंड पॉइंट्स करेक्ट कर चुका था अपने लाइफ हाई से बट दो दिन में बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखी गई स्पेशली जब से ये न्यूज़ जब से ये स्टेटमेंट्स आई हैं इनकी तो हो सकता है इसको काफ़ी वैल्यू किया हो इन्वेस्टर्स ने इसके अलावा काफ़ी डाउट्स भी आने लग गए थे लोगों को क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज इंडिया बहुत ही कम आया है स्टेट्स में सो so, लोग कई लोग इसे नेगेटिवली भी ले रहे थे बीजेपी के लिए कि शायद इस अब की बार 400 पार हो पाए या ना हो पाए या जीते भी तो शायद इतने बढ़िया सीटों से ना जीते जैसे अब तक जीतते आए हैं सो देर इज अ लॉट एट स्टेक एंड हमें देखना होगा कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन हैं और मार्केट कैसा रिएक्ट करता है हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा आफ्टर इलेक्शन सो लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप उसे हेज कर सकते हैं स्टॉक बॉक्स का ऐप डाउनलोड कीजिए और आप पोर्टफोलियो हेजर टूल है वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद